शायद रजनी को साथ लेके आना चाहिए था, तो मैं उसको लेके आता हूँ। रचू, सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल AR Vlogs। तो आज हम लोग निकल चुके हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, और जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आप सभी के लिए। इंसान की जो है क्रिएटिविटी आप लोगों को आज देखने को मिलेगी। तो चलते हैं जो कि चायल में है, और वो इंसान ने किस तरीके से जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है हर एक चीज़ को, वो देखने लायक चीज़ है वहाँ पर। तो चलते हैं, आप लोगों को वो एक्सप्लोर करवाते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं जहां की मैंने बात की थी। तो ये देख सकते हो आप, पाइपों से बनाया गया है और ये स्टेप्स काफी अच्छे बनाए गए हैं यहां पे। ये देख सकते हो आप, ये सीमेंटेड है। ये बिल्कुल सामने जो है मिरर लगा हुआ है आपके, और ये देखिए आप चिनाई कितने अच्छे तरीके से स्लेट वाले पत्थरों से की गई है। कमरा बनाया गया है बढ़िया, और ये देख सकते हो फिनिशिंग क्या बात है, लकड़ी की फिनिशिंग। तो वहां से जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो पाइपों से, बिल्कुल पाइपों से बनाया गया है, देख लीजिए। और यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी है, तो हम जो है यहाँ पे कोई भी ले जा सकता है। चलो तो ये देखिए वीरभद्र गुफा, यहाँ चले। तो ये वीरभद्र गुफा है, अंदर जाके देखते हैं क्या है इसमें। अंधेरा है, फोन का फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। तो बाल वाले यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से, बढ़िया तरीके से ये देख सकते हो। जी भाई, आया नहीं कोई यहाँ पे, आ जाओ रे। दोबारा लेने आया मैं इसको, ये भाग गई वापसी। मेरा बैग फंस गया तो मेरे को लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी अंदर। कैसा लगा अंदर वैसे? अच्छा है, वो ठंडा है, मतलब जब आने वाले टाइम पे बन जाएगा तो बहुत वेल एंड गुड होगा। मोटी और ये देखो, यहाँ पे कीवी के पेड़ भी लगा रखे हैं। ये कीवी के पेड़ है,
ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को, वीडियो या फोटोग्राफी से लेना अच्छा नहीं लगता है और अच्छी बात भी नहीं है। अगर शिव जी महादेव के आसन पर बैठकर ऐसा, आप स्वयं को समझदार है, एक अनुरोध है आपसे अवश्य करूँगा, कोई नोट या आप शिव यहाँ पे लिखा हुआ है भाई वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी तो हमने कर दी। और ये देखिए आप नाग बने नहीं, ये बनाया गया है कि क्रिएटिविटी है, और ये सीमेंटेड यहाँ पे जो है बनाया गया है। हाँ पेंट होगा, पेंट हो सकता है, काफ़ी अच्छा क्रिएटिविटी है। और ये देख सकते हो आप, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी जब बनेगा तो बहुत ही खतरनाक बनने वाला है। और अब चलते हैं मंदिर की ओर, तो चलें फिर। तो यहाँ पे देखिए पाइप, पाइप का यहाँ पे ज़्यादा उपयोग किया गया, ये पाइप देख सकते हो आप। और यहाँ पे भी कुछ अभी बनेगा, जो भी इंसान इसको बना रहा है भाई बहुत ही भयानक बना रहा है, बहुत ही क्रिएटिविटी बना रहा है। तो ओम नमः भगवान, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ पे जो है इसको बंद किया गया है प्लास्टिक की शीट से, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे नाग आप देख सकते हो कैसे पत्थरों के द्वारा बनाया गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लपटे मार करके यहाँ पे जो है सांप की लपटों के बीच में एक शिवलिंग को यहाँ पे जो है बनाया गया। ये आपके ब्रह्मदेव गणपति महाराज शिव भगवान भी वहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही भव्य जो है यहाँ पे ये बनाया गया, अभी आने वाले टाइम में ये स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये बन रहा है। और मंदिर के दरवाजे को जो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ताकि अगली बार कोई आएगा तो वो इसको खोलेगा। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक नंबर, मजा आया। आप सभी को जो है चैल से जो है लेफ्ट रास्ते पे जो है कंटिन्यूटी में चलना है, आगे रास्ते में री हाउस चैल, ये एक रिजॉर्ट यहाँ पे आगे चल के आता है। तो इसी मेन हाईवे से जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे रास्ते में कट जाना है, और रास्ते में कट कर जो है आपको यहाँ पे एक ऐसा पक्का रास्ता मिलेगा, साइड कुछ ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे देखते हैं। सिंगल रोड है, एक टाइम पे सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, और ये अ टेम्पल इन माई माइंड, बहुत ही ब्रिलियंट जो है मंदिर यहाँ पे जो है बना रहा है इंसान, जिस जो भी ये क्रिएटिविटी कर रहा है बहुत ही ब्रिलियंट है। और आने वाले टाइम पे जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जैसा भी उनके माइंड में है ये मंदिर है बहुत ही ब्रिलियंट मंदिर है, बहुत ही गजब का मंदिर है। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सिंगल रोड होने के कारण जो है यहाँ पे सिर्फ सिंगल गाड़ी गुजर सकती है। जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये स्लेट से जो है बनाया गया है डंगा, वैसे ही वहाँ पे जो है स्लेट से ही सारी दीवारें बनाई गई है। तो आज का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में जा करके, और बंदे की जो क्रिएटिविटी है वो एक नंबर है भाई, बहुत बढ़िया दिमाग जो है बंदे ने लगाया है यहाँ पे। और अब जो है हम पूछ लेते हैं भाई, कैसा लगा आपको जा करके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा आज यहाँ पे रहा है, आज के दिन जो है हमारा बिल्कुल सफल हो चुका है। तो भाई लोगों, होप करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, आना आप भी जरूर यहाँ पे एक बार, बिल्कुल आप लोग भी एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। अभी तो यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लग रहा है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे टिकट लग सकता है मे बी,
क्योंकि जिस इंसान ने इतना खर्चा यहाँ पे किया है तो वो बंदा टिकट तो लेगा भाई, इतना तो उसका हक बनता है। तो अभी जो यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे जा सकते हो। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।